Speaking at a press conference at the BJP office in the national capital today, party president Rajnath Singh confirmed the inclusion of two new entrants into the party ahead of the Lok Sabha polls. Rajnath said he is happy and proud to have received JMM leader Hemlal Murmu into his party. He added Murmu's presence will strengthen the leadership of the party. झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता कद्दावर नेता श्री हेमलाल मुर्मू जो चार बार लगातार विधायक रहे हैं और लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं और वर्तमान में भी वह विधायक हैं, उन्होंने फैसला किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से त्यागपत्र देकर वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करेंगे। आज मैं श्री हेमलाल जी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में स्वीकार करता हूं। The BJP president also accepted a former IAS officer, Vimal Kirti, into the party. Vimal has served as a resident commissioner of Jharkhand. Vimal Kirti Singh ji, ये IAS officer रहे हैं और लगभग इनकी 7 वर्ष की सेवा शेष थी तो उसे छोड़कर यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने का फैसला किया है। मैं विमल कीर्ति सिंह जी को भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में स्वीकार करता हूं और मैं इनका अभिनंदन करता हूं। दिस रिपोर्ट वाज ब्रॉट टू यू बाय NNIS।